So hi guys, my name is Dad and I have a new TV paper show. So let's begin without any further delay. So today we will discuss worksheet number 8, which is for class 6, and it is of subject mathematics, and we have to do it on 20th October 2020. There you have to write your name, there you have to write the name of your class teacher. So let's begin. चलिए अब हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं. So to know our numbers estimation. देखिए आज हम हमारे नंबर्स के बारे में जानेंगे जो कि अनुमान. देखिए द कंसेप्ट ऑफ एस्टिमेटिंग सम. तो आप देखिए आप जो है अगर जैसे कि मान लीजिए आपको एक बिग कैलकुलेशन करनी है. हाँ वो देखिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अब देखिए आप हर वक्त तो अपने साथ कॉपी पेन लेकर नहीं चल सकते ना. तो फिर जो है आप उसको एस्टिमेट करेंगे. तो आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे. तो मिस्टर देवसेना गोज टू द मार्केट विद रुपीज 2000 ओनली टू परचेज सम गिफ्ट फॉर हर किड्स. कॉस्ट ऑफ टू गिफ्ट विच शी लाइक्ड वर रुपीज 1175 एंड रुपीज 449. तो आप देखिए मिसेस देवसेना जो है दुकान में जाती है, वो बस तो अपने साथ 2000 रुपए लाई होती है अपने बच्चों के लिए तोहफे खरीदने के लिए. और देखिए जो दो तोहफे उसने पसंद करे वो थे, देखिए एक पहला तोहफा तो 1175 रुपीज का था और दूसरा तोहफा 449 रुपीज का था. डू यू थिंक दैट मिसेस देवसेना हैज इनफ मनी टू परचेज दीज टू गिफ्ट्स. देखिए अब क्या आपको लगता है कि जो है मिसेस देवसेना के पास इतना पैसा है कि वो इतने जो कि वो ये गिफ्ट खरीद सकते हैं? हाँ तो यहाँ देखिए अमरेंद्र एंड कटप्पा ट्राई टू एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट इन द फॉलोइंग. तो देखिए सॉल्यूशन डन बाय अमरेंद्र. देखते हैं द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट गिफ्ट रुपीज 1175 इज राउंडेड ऑफ एज 1200. तो देखिए अभी हमने राउंड कैसे करा इसको. तो यहाँ देखिए ये हमारा था 1175. तो हमने यहाँ जो है लास्ट की टू डिजिट्स देखी हैं, वो है 7 और 5. तो 50 या उससे ज्यादा का नंबर राउंड ऑफ होता है उसके आगे. हाँ तो वो हो गया हमारा 1200. फिर देखिए द कॉस्ट ऑफ सेकंड गिफ्ट रुपीज 4499 इज राउंडेड ऑफ रुपीज 400. अब कि अब 500 से इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखिए ना 50 ये नंबर 50 नहीं है और ना ही उससे ज्यादा है, उससे बल्कि 1 रुपए कम है. हाँ तो ये हाँ हमें राउंड ऑफ करेंगे 400 से. फिर इसने इसको प्लस करा और हमारा आंसर आया 1600. हाँ तो था ना ये इजी. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गिफ्ट से है हमारा रुपीज 1600. अब सॉल्यूशन डन बाय कटप्पा. जो कटप्पा ने करा द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट गिफ्ट रुपीज 1175 इज राउंडेड ऑफ. तो देखिए अब जो है पहले गिफ्ट का पैसा उसने कर दिया 1000 रुपए. हाँ और फिर देखिए तो कॉस्ट ऑफ सेकंड गिफ्ट रुपीज 449 इज राउंडेड ऑफ एज रुपीज 0. हाँ तो अब देखिए क्या ये कुछ सेंस बनाते हैं? नहीं ना. अब देखिए उसको जो है यूं देखना था कि नंबर कितना मिनिमम राउंड ऑफ जो है हो सकता. अब देखिए उसको जो है इसको 3 से बिल्कुल इतने डिजिट थे और उससे इसने राउंड ऑफ कर दिया. हाँ तो अब देखिए इसको बस आखिर के 2 डिजिट लेने चाहिए थे तब इसका सही आता. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गिफ्ट इज रुपीज है 1000. अब देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता जब पहले गिफ्ट का ही जो है उससे रुपीज 175 ज्यादा है. तो एस्टिमेटेड उसने तो दोनों गिफ्ट का करा है तो 1000 रुपए कैसे आ सकता है. तो अब देखिए अमरेंद्र ने सही करा है और कटप्पा ने गलत. तो वुड यू राउंड ऑफ 200 एज डन बाय अमरेंद्र और राउंड ऑफ 2000 एज डन बाय कटप्पा. देखिए मैं तो अमरेंद्र के साथ जाऊंगा. थिंक एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लास. हाँ तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं. तो रीड द फॉलोइंग कंक्लूजन. अब हमें इनको पढ़ना है. फर्स्ट एस्टिमेशन शुड बी रीजनेबल एंड लॉजिकल. तो देखिए आप जो है अनुमान आपका एक रीजनेबल और लॉजिकल तरीके से होना चाहिए. देयर इज नो रिजिड रूल बट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड. तो देखिए अब यहाँ कोई रिजिड रूल नहीं है, बस ये डिपेंड करता है डिग्री जो एक्यूरेसी की है. हाँ उससे
हाउ क्विकली एस्टिमेशन इज नीडेड, तो देखिए आप कितनी जल्दी एस्टिमेशन जो है चाहती होती है हमें। Therefore, we may conclude that estimation done by Amarendra is more accurately estimated as this is more reasonable and more logical. हाँ, तो देखिए अब अमरेंद्र ने सही किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो वो बहुत ज्यादा रीजनेबल और लॉजिकल है। तो यहाँ देखिए एस्टिमेटिंग सम, तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा एस्टिमेट 18,891 प्लस 4,201। तो देखिए हमारा ये, तो अब जो है हम यहाँ पर हम जो है ये 100 का एस्टिमेशन करेंगे। तो देखिए अभी ये है 91, तो ये 50 से ज्यादा है। हाँ, तो देखिए हम जो है इसका अगला वाले लेंगे, वो हो गया हमारा 90,000। फिर देखिए 4,201 इज राउंड ऑफ एज रुपीज 4,000। अब ये कैसे हुआ ये देखिए, क्योंकि थाउजेंड्स का एस्टिमेशन करा है, तो यहाँ देखिए अब हम नया रूल रखेंगे कि 500 से अबव है तो 5,000 पे जाएगा, 500 उससे कम है 500 से तो हमारा जाएगा 4,000 पे। तो देखिए अभी 201 तो 500 से कम होता है, तो हमने यहाँ 4,000 लिख दिया। 19,000 प्लस 4,000 आया हमारा 23,000। हाँ, देखिए यहाँ इसी तरह क्वेश्चन टू, एस्टिमेट 429 प्लस 8,691 यहाँ सॉल्यूशन है, राउंड ऑफ 200। तो हमने यहाँ 100 से राउंड ऑफ करना है। हाँ, यहाँ हमें 1000 से राउंड ऑफ करना था, यहाँ 100 से, तो 429 इज राउंड ऑफ एज 400। अब वो कैसे, क्योंकि देखिए हम लास्ट की जो है हमें 100 का करना है, तो हम लास्ट की दो डिजिट देखेंगे। हाँ, वो 50 से कम है या फिर जो है 50 या फिर 50 से ज्यादा है, तो देखिए वो तो कम है, और कम में हम जो है हमें सेकंड नंबर चूज करते हैं जो कि है 400, और 8,691 इज राउंड ऑफ एज। तो यहाँ देखिए हम 91 का राउंड ऑफ करेंगे, तो 91 अब जो है 50 से ज्यादा है। हाँ, तो यहाँ ये जो है हम 8,700 कर देंगे, फिर एस्टिमेटेड सम आएगा हमारा 9,100। हाँ, तो अब देखिए, हाँ तो ये देखिए अब जो हमारा है क्वेश्चन नंबर वन, एस्टिमेट 9,876 माइनस 6,789, तो यहाँ पे हमारा एस्टिमेट द डिफरेंस, तो सॉल्यूशन है राउंड ऑफ 2,000, तो हमें यहाँ 1,000 से राउंड ऑफ करना है, तो 9,876 इज राउंड ऑफ एज 10,000। वो कैसे, क्योंकि देखिए हमें 1,000 से करना है, तो हम जो है आखिर की ये तीन डिजिट्स देखेंगे, तो तीन डिजिट अगर 500 से ज्यादा है या 500 है तो हम आगे बड़े वाला नंबर लेंगे, और अगर 500 से छोटा है तो हम जो है छोटे वाला नंबर लेंगे। हाँ, तो यहाँ देखिए हमारा ये 500 से ज्यादा 876, तो यहाँ हम 10,000 कर देंगे, और 6,789 राउंड ऑफ होता है 7,000 से। अब वो देखिए ऐसे, क्योंकि हमें 1,000 का, तो फिर से हम तीन डिजिट पे वापस करेंगे, तो 500 या उससे ज्यादा है तो हम बिगर वाला नंबर लेंगे, तो यहाँ 500 से ज्यादा है, हाँ तो हम यहाँ पर 7,000 लिख लेंगे, फिर एस्टिमेटेड डिफरेंस आएगा हमारा 3,000 का। हाँ, हाँ, फिर देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर टू, एस्टिमेट 90,476 माइनस 10,241 सॉल्यूशन, तो यहाँ हमें 100 से राउंड ऑफ करना है, तो अब यहाँ 9,476 इज राउंड ऑफ एज 90,500। तो अब वो देखिए हम जो है हमें 100 से करना है, तो हम लास्ट की जो है दो डिजिट देखेंगे, तो 50 से ज्यादा है या 50 है तो हम बिगर वाला नंबर लेंगे, 50 से छोटा है तो हम छोटे वाला लेंगे, तो यहाँ 76 है तो हम बिगर वाला नंबर चूज करेंगे कि 50 से ज्यादा है, और अब हमारा 10,241 इज राउंड ऑफ एज, तो हम यहाँ फिर से दो डिजिट पर ध्यान देंगे, 41 50 से कम है तो कम वाला नंबर, तो यहाँ आएगा हमारा 10,200। हाँ, एस्टिमेटेड डिफरेंस है हमारा अब 80,300। तो अब लेट्स डू, आओ करें क्वेश्चन नंबर वन, एस्टिमेट सम 841 प्लस 181। तो यहाँ देखिए मैंने कर दिया, अब जो है मैंने यहाँ एस्टिमेट करा है 100 से। हाँ, तो यहाँ देखिए 841, तो 841 50 जो है इसकी लास्ट टू डिजिट्स पर ध्यान देना है, तो 50 से कम है या ज्यादा, तो ये कम है, तो यहाँ पर हम यहाँ का जो है 800 ही लेंगे, और फिर है हमारा देखिए 181, तो अब ये 50 से जो है ज्यादा है या फिर कम है,
तो ये देखिए 50 से तो ज्यादा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 200 और 800 प्लस 200 आएगा हमारा 1000। तब हम चलते हैं आगे। तब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2400 प्लस 6891। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए अब मैंने कर दिया है, तो अब यहाँ देखिए हमारा टू, अब मैंने यहाँ एस्टिमेट करा इसको 1000 से, राउंड ऑफ करा इसको 1000 से। हाँ तो यहाँ देखिए हम यहाँ लास्ट की थ्री डिजिट पर फोकस करेंगे, तो यहाँ लास्ट की थ्री डिजिट है 400, ये 500 से कम है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2000 है कम वाला। और फिर देखिए हमारा 6891 है और ये 500 से जो है इसकी तीन डिजिट ज्यादा है। हाँ तो यहाँ पर हम बिगर वाला नंबर लेंगे जो कि है 7000। फिर जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9000। हाँ तो अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है 9875 प्लस 5478। तो यहाँ देखिए अब मैंने जो है इसको सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ हमारा जो है अब मैंने यहाँ पर करा है 1000, राउंड ऑफ करा है मैंने 1000 का। तो यहाँ देखिए हम आखिर की तीन डिजिट देखेंगे तो वो है 875। अब 875 500 से ज्यादा है, तो हम जो है बिगर वाला नंबर चूज करेंगे जो कि है 10000। फिर देखिए हम इसकी भी तीन डिजिट जो है आखिर की लेंगे तो वो है 478। अब ये जो है हमारी 500 से कम है, तो यहाँ पर हम छोटी वाला लेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे, तो यहाँ पर है हमारा 5000। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15000। सो लेट्स मूव फर्दर। तो क्वेश्चन नंबर टू, एस्टिमेट डिफरेंस। तो हमें देखिए अब यहाँ डिफरेंस एस्टिमेट करना है यानी कि माइनस करना है। तो पहला क्वेश्चन है 8299 माइनस 5000। तो यहाँ देखिए मैंने कर दिया है, तो यहाँ हमारा 8299। अब देखिए अब मैं यहाँ मैंने जो है 1000 का राउंड ऑफ करा है, तो 299 क्या 500 से कम है? हाँ, तो यहाँ हमने छोटी वाली डिजिट ली है 8000। अब जो है हमारा ये 5000 है, तो अब देखिए क्या 5050 से ज्यादा है? तो नहीं। हाँ तो यहाँ हमने जो है वो वही नंबर लिया है क्योंकि भाई उससे सबसे छोटा वाला भी था। हाँ फिर देखिए हमने यहाँ इनको जो है, हाँ तो आप देखिए फिर जो है मैंने इनको माइनस करा और फिर मेरा आंसर आया 3000। तो यार अब मुझे थोड़ा जल्दी से माफ कर देना, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया था गलती से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हमारा 9999 माइनस 5421, तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। तो यहाँ पर देखिए अब जो है हमारा ये 9999, तो यहाँ मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ राउंड ऑफ कराया 100 का। तो यहाँ देखिए अब जो है हमारा 9950 से ज्यादा है। हाँ तो अब देखिए हम जो है इससे ज्यादा वाला नंबर लेंगे, पर देखिए यहाँ हमारा पहले से ही 9 है। हाँ तो अब जो है हम इनको 10000 ही बना सकते हैं, तो हम यह 10000 लिख देंगे। और फिर हमारा 5421, तो यहाँ देखिए हम डाक की टू डिजिट्स देखेंगे क्योंकि 50 से कम है। हाँ तो हम जो है छोटे वाला नंबर लेंगे जो कि 5400। फिर जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4600। तो अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ देखिए अब जो हमारा थर्ड और आखिरी प्रश्न है 2541 माइनस 524। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, तो देखिए अब यह मैंने राउंड ऑफ करा है 100 का, तो यहाँ 41 जो है हमारा 50 से ज्यादा है या कम, तो वो कम है, तो हम यहाँ छोटा वाला नंबर 2500 लेंगे। और फिर देखिए हमारा 524, तो यहाँ हम भी दो डिजिट देखेंगे, 24 50 से ज्यादा है या कम, तो वो कम है, तो हम यहाँ 500 कर देंगे। और 2500 माइनस 500 वो हमारा 2000, तो हाँ यही हमारा आंसर आएगा। तो अब हम देखिए संदेश पढ़ लेते। तो यहाँ देखिए हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB मैसेज टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 वियर अ मास्क। हाँ तो अब उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो बाय बाय।